welcome to the G Square class and welcome to an Academy Neet Topper channel. Your one-stop solution for physics, chemistry and biology. Good evening, good evening, good evening kids. Hello Tanu, Mansi, Gargi. Kuch naam to yaad ho chuke hai ma'am, to kuch aur ho jayenge jaise jaise hamara saath aage chalta jayega, hai na? Yes, bacho. Aur baat ye hai ki bacho, ek bacche ne kaha ma'am chai pee lo. चाय पीने का बेटा टाइम कहाँ है ना? यस, ये बात भी है. चलो बेटा आज की क्लास जल्दी शुरू करते हैं. आज हमें नया चैप्टर शुरू करना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन. कई बच्चे सोच रहे हैं मैम आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट नहीं पढ़ाया, इसके बाद वो ले लूंगी. ठीक है, वो ना एक्चुअली स्केड्यूलिंग में थोड़ी दिक्कत हो गई, उसके कारण ये हो गया. कोई नहीं, मैंने पढ़ाना है ये चैप्टर. पहले पढ़ लेते वो वाला, बाद में पढ़ लेंगे. ठीक है, खुश तो तुम बहुत होंगे चैप्टर का नाम सुनते ही. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने की हम पूरी पूरी आज कोशिश करेंगे. चलिए आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. And before I go further, जितने भी बच्चे हमारे नए हैं 23 बैच के हैं, do not forget to subscribe the channel, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ रेगुलर क्लासेस होंगी एंड यू कैन कम्प्लीट योर सिलेबस विद अस. ठीक है, एंड बच्चों डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दिस चैनल. ये बहुत जरूरी है. आई लुक लाइक कैटरीना? बस बेटा ठीक है, थैंक यू. अनअकैडमी नीट टॉपर का ये टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा. उसे क्लिक करते ही आप सीधा हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे, आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे इस पूरे बैच से रिलेटेड. अब आते हैं बच्चों यहाँ पे, ये मैं गलत पढ़ रही थी, 3 months और फ्री मिलेगा. देखो बेटा जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं, मैं बता रही हूँ आप प्लस पे इन टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते. दीज आर टॉप एजुकेटर्स. आनंद मनी सर को आप जानते होंगे, अनुराग सर को आप जानते होंगे, बीटी सर तो अपन के चैनल के ही सर हैं, अमन सर हैं, कोमल मैम हैं. इन सारे टॉप एजुकेटर से आज ही क्वालिटी एजुकेशन के लिए पढ़िए एंड अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए. बट सिलेक्शन पक्का तभी होता है जब आपके एफर्ट्स भी होते हैं. टीचर एफर्ट लगा देगा, आप नहीं लगाएंगे तब भी सिलेक्शन नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि अभी अगर आप ये लेते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, तो 12 के साथ आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है. वहीं पे अगर आप 24 months का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 4 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको एडिशनल फ्री मिलेगा. तो यानी कि यहाँ पे बम्पर ऑफर चल रही है. ये बैच नहीं, एक और बैच शुरू हुआ है टॉप एजुकेटर्स का, इस बैच में भी आप एनरोल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, कॉस्टिंग है, ये गलत हो गया. यूट्यूब पे पढ़ाते पढ़ाते बोलने की आदत हो गई है. तो यहाँ पे बेटा GNEET रेफरल कोड आप लगाएंगे तो आपको एडिशनल 10% ऑफ और मिल जाएगा. अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलते हैं. मैम का भी खुद का टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे ब्रेन क्विजेस रेगुलर बेसिस पे होती है. ठीक है, तो इस तरीके से आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं. आज इसको लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को पक्का कीजिए. अपने पेरेंट्स को पकड़िए, उन्हें बताइए कि हमें बैच ज्वाइन करना है फॉर द नीट सिलेक्शन, क्योंकि आप बस्ता पकड़ के आप जा तो सकते नहीं है कोचिंग में. तो सारे कोचिंग वाले टॉप एजुकेटर्स यहाँ आ चुके हैं. ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे अनअकैडमी कॉम्बैट. हर संडे सुबह 11 बजे आपका एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, इसमें आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है इफ यू स्कोर वेरी गुड मार्क्स. ठीक है, अब आते हैं जरा इस पे. आ जाओ बेटा, सिस्टम पढ़ेंगे. नोटबुक तैयार? यस, जल्दी बताओ नोटबुक तैयार है? नहीं, नोटबुक तैयार है बता दो. मैम हाउ टू ज्वाइन इट? बस आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, उसमें नीट कैटेगरी चूज करनी है, GNEET कोड लगाना है और उसके बाद आप ज्वाइन कर लोगे. बस इतना सही है, सिंपल प्रोसेस है ना. आ गए आ गए आ गए, चलो रेडी है ना नोटबुक्स के साथ. तो चलो आओ आज की चैप्टर की हेडिंग लिखेंगे, सुंदर सुंदर मार्कर से लिखेंगे. अपने नोट्स आप शेयर कर सकते हैं मुझे. ह्यूमन रिप्रोडक्शन, लास्ट चैप्टर से आपको ये तो पता लग गया होगा व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ये तो बताने की जरूरत नहीं है. रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच यू प्रोड्यूस सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है, नॉट आइडेंटिकल, क्योंकि वो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है. सिमिलर ऑफस्प्रिंग बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? सारी लाइफ खत्म हो जाएगी धीरे धीरे. अगर आज सब रिप्रोडक्शन करना छोड़ दे तो लाइफ ही खत्म हो जाएगी प्लैनेट पे से. तो लाइफ को बरकरार रखने के लिए, जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन भी बहुत ही अहम प्रोसेस हो जाता है. ठीक है, यस. तो अब यहाँ पे आते हैं, आज का पहला टॉपिक जो हमको करना है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. ये चैप्टर बहुत कीमती चैप्टर है आपके नीट एग्जाम के लिए. इसको मैम सुपर डिटेल्स में पढ़ाएंगी तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जिस बच्चे ने मेरे नोट्स बना लिए उसका ये चैप्टर क्लियर है. चाहे एनटीए के क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप यहां से ना कर पाओ. इतनी मैं गारंटी ले सकती हूँ. ठीक है, चलिए आइए डायग्राम बनाएंगे सब.
इट्स अ टाइम टू मेक डायग्राम। आ जाओ बेटा, अब डायग्राम बनाना शुरू करते हैं बच्चों। यहां से बनाएंगे, सबसे पहले दिस इज अ स्क्रॉटम। ये क्या है स्क्रॉटम, क्या क्या चीज है अभी डिटेल हम इसके लिखेंगे। स्क्रॉटम है, स्क्रॉटम के अंदर वन पेयर ऑफ टेस्टिस है। क्या है बच्चों, वन पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ मेल्स। अब जो ये यहाँ पे एक डक्ट्स निकल रही है, आप देख रहे हैं हाईली कॉइल डक्ट्स मैम बना रही है, यहां से भी और यहां से भी हाईली कॉइल डक्ट्स है। इसे हम डार्क कलर का कर देते हैं जिसे आप आराम से इसे देख सके। ये जो हाईली कॉइल डक्ट्स होती है ना, हमें इन्हें हम एपिडिडाइमस कहते हैं। क्या कहते हैं, किड्स, एपिडिडाइमस कहते हैं, ठीक है। अब यहां से यही डक्ट्स जा रही है आपके एब्डोमेन में, ये है एब्डोमेन, ठीक है, ये रही। और इस डक्ट को जो एब्डोमेन से गुजरती है, दिस डक्ट इज कॉल्ड एज वास डिफरेंस। अब हम वापस से बढ़िया से करेंगे, बस अभी देखते जाओ। इसे हम क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस, ठीक है। अब वास डिफरेंस के यहां पे एक ग्लैंड है, दिस ग्लैंड जो पत्ती जैसा दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं व्हाट वी कॉल दिस एज सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। अब सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन भी आ गया, इसको ज्वाइन कर लिया है दिस डक्ट। अब जो ज्वाइन करके बनी है सेमिनल वेसिकल के, इसे हम क्या कहते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। यहां पे है आपका यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, जहां पे यूरिन स्टोर होता है टेम्पररी। फिर उसके बाद यहां पे हम बना रहे प्रोस्टेट ग्लैंड, तो ये डार्क कलर से बना देते हैं। ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड से भी क्या निकल रही है, अब यूरेथ्रा। तो इतने पॉइंट से अब यूरेथ्रा बननी शुरू हो चुकी है। रुको अभी बनाते हैं, ये रही यूरेथ्रा, आगे तक जो जा रही है दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रा, ठीक है। तो इतना तो ये है सिस्टम। यहाँ पे वन पेयर ऑफ एक और ग्लैंड होता है, दिस इज कॉल्ड कॉपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। अब इसको जरा पूरे स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने का समय हमारा आ चुका है। चलो ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, एवरीबॉडी इज एबल टू सी द स्ट्रक्चर। अब हमें स्ट्रक्चर के डिटेल्स पे जाने वाले हैं, सो इट्स अ टाइम टू फिल योर नोट्स कंप्लीटली। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्ट से, दैट इज अ स्क्रॉटम। ये क्या है, फर्स्ट पार्ट स्क्रॉटम। स्क्रॉटम क्या होता है बच्चों, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। स्क्रॉटम क्या है, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है वन पेयर ऑफ टेस्टिस। क्या प्रेजेंट होते हैं किड्स, इसके अंदर प्रेजेंट होता है वन पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, एक पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है। और टेस्टिस का मेजर फंक्शन क्या होता है, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं दिस इज वन पेयर ऑफ टेस्टिस, तो यहां पे हम लिख लेते हैं पेयर, दिस इज योर पेयर्ड स्ट्रक्चर, एंड द मेन फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है भाई। पे इसका दूसरा काम एक और होता है, इसका दूसरा फंक्शन क्या होता है, टू प्रिपेयर हॉर्मोन्स। तो यहाँ पे हॉर्मोन्स भी आते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उस हॉर्मोन का नाम क्या है, विच कम्स फ्रॉम द टेस्टिस, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। क्या बेटा, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो ये हॉर्मोन भी आता है टेस्टिस से, ठीक है। उसके बाद इसे एक और चीज कहते हैं, दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से भी कहलाया जाता है, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहीं पे स्पर्म प्रोडक्शन होता है। तो ये तो होगी टेस्टिस के बाद, अब आते हैं नेक्स्ट डक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको डक्ट्स दिख रहे हैं, दीज डक्ट्स विच आर हाईली कॉइल्ड डक्ट्स आर कॉल्ड एज एपिडिडाइमस, ठीक है। तो ये क्या है, एपिडिडाइमस, दीज आर द हाईली कॉइल्ड डक्ट्स। ये बहुत ज्यादा कॉइल्ड होती हैं, एंड सिंस ये कॉइल है, दे बिकम द लॉन्गेस्ट डक्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो लॉन्गेस्ट डक्ट कौन सी है बेटा, दीज आर द एपिडिडाइमस। तो ये हो गई लॉन्गेस्ट डक्ट। अब डायग्राम देखो और मुझे बताओ क्या ये पेयर्ड है या अनपेयर्ड है, आर दे पेयर्ड और अनपेयर्ड, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, यस पेयर्ड है या अनपेयर्ड है। ओके 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 ओके, वेट 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 बेटा वेट, इस वाले चैप्टर में ऐसा होगा, चैट बॉक्स में बिल्कुल भी आपने फोकस नहीं करना है, अदरवाइज हम आज की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो काइंडली जस्ट इग्नोर
एंड स्टार्ट स्टडिंग एंड मेक योर नोट्स, ठीक है बेटा, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट इग्नोर. तो स्ट्रक्चर देखो, मुझे बताओ ये पेयर्ड है या अनपेयर्ड. तो यहाँ पे लिखेंगे हम ये पेयर्ड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दो दिख रहे हैं, ठीक है. अब यहाँ पे स्पर्म आ चुका है, अब स्पर्म यहां से कहां जाएगा बच्चों, इट विल गो इनटू वास डिफरेंस. इट विल गो वेयर, इट विल गो वास डिफरेंस. अब वास डिफरेंस जो होती है, मैम ने तो यहाँ पे एक बनाई है, बट एक इसके जस्ट पीछे भी होती है, एक इसके जस्ट पीछे भी है. उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर. तो ये भी दो होती है और इसके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है स्पर्म, ठीक है. सो द मेजर फंक्शन ऑफ वास डिफरेंस इज टू कैरी स्पर्म, कैरी स्पर्म्स, ठीक है. अब बेटा मान लीजिए, अब यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज मैं बताती हूँ. मान लीजिए यहाँ पे हमने कट लगा दिया, ठीक है, कट लगा दिया, इतने पार्ट को फोल्ड कर दिया और धागा लगा दिया, और इतने पार्ट को फोल्ड करके धागा लगा दिया, तो क्या स्पर्म आगे ट्रैवल कर पाएगा. मान लीजिए आप यहां से कहीं और जा रहे, बीच में ब्रिज है, ब्रिज अगर आपने तोड़ दिया तो क्या आप ट्रैवल कर पाओगे, नो. तो यहां से स्पर्म यहां तक अब नहीं पहुंच पाएगा. सो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज वसेक्टोमी. व्हाट यू कॉल दिस प्रोसीजर, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज वसेक्टोमी, ठीक है. सो वसेक्टोमी बेसिकली क्या करता है, इट स्टॉप्स द पैसेज ऑफ स्पर्म. सो इट स्टॉप द पैसेज ऑफ स्पर्म, पैसेज ऑफ स्पर्म. तो स्पर्म के पैसेज को रोकता है, इसलिए इस प्रोसीजर को वसेक्टोमी कहते हैं. क्या ये प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, इन द चैट बॉक्स किड्स. तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है. तो यहां पे अगर मैं आपको बताऊं, सो वसेक्टोमी इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी एक बार हो गया तो हो गया, उसके बाद नहीं हो सकता. इसे हिंदी में नसबंदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है. उसके बाद यहां तक सिर्फ स्पर्म्स लेकर आए थे. अब यहां पे पहला ग्लैंड हम लेबल कर रहे हैं, दिस इज सेमिनल वेसिकल. क्या है बच्चों, ये है सेमिनल वेसिकल. अब सेमिनल वेसिकल भी टू इन नंबर होते हैं. टू इन नंबर का मतलब क्या है, पेयर्ड है. यानी सेमिनल वेसिकल्स भी क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं. और यहां से फ्लूइड यहां से क्या होता है बेटा, फ्लूइड सिक्रीट होता है, ठीक है. सो द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड इज प्रोड्यूस, यहां से मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एल्कलाइन फ्लूइड इज प्रोड्यूस, एल्कलाइन फ्लूइड. यानी कि जो सिमेन है, यानी कि जो चीज है, यानी कि स्पर्म्स, अब जो बेसिकली उसका पीएच है वो क्या रहेगा बेटा, अल्कलाइन और एसिडिक. अल्कलाइन या एसिडिक, जल्दी बताइए, इट वुड बी अल्कलाइन, ठीक है. उसके बाद अगर हम आए यहाँ पे, दिस डक्ट, इतनी आपको डक्ट दिख रही है जो मैम व्हाइट कलर से डार्क कर रही है, एवरीबडी कैन सी दिस डक्ट जो व्हाइट कलर से मैम ने मार्क किया है. इस डक्ट को बच्चों हम क्या कहते हैं, इस डक्ट को हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट. क्या बोलते हैं इस डक्ट को, इजैकुलेटरी डक्ट. ये हो गया आपका इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है. इस डक्ट में ऊपर से स्पर्म आ रहा है, यहां से देखिए, यहां से स्पर्म आ रहा है, यहां से फ्लूइड आ रहा है. तो बेसिकली इजैकुलेटरी डक्ट में क्या क्या है किड्स, इसमें है स्पर्म, इसमें है स्पर्म प्लस फ्लूइड कमिंग फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, कमिंग फ्रॉम सेमिनल वेसिकल. आया सबको समझ में, लिखा सबने या नहीं लिखा इतना, यस बच्चों. सुबह भी इस एसी ने मुझे बहुत परेशान किया था और ये एसी मुझे अभी भी परेशान कर रहा है, इसने तो कसम खा रखी है. चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे. अब यहाँ पे यह आपका टेम्पररी यूरिन स्टोरेज ऑर्गन है, इसको हम क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर. क्या बोलते हैं सिस्टम को, यूरिनरी ब्लैडर. तो मेल की बॉडी के अंदर यूरिनरी ब्लैडर दो होते हैं या सिंगल होता है, बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में. दो होते हैं, एक होता है, जल्दी बताओ. अभी पूरा रिवाइज कराऊंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं. अभी इसका पूरा हम पैसेज लिखेंगे, आराम आराम से डायग्राम बनाओ, आराम आराम से चीजें लिखो, बिल्कुल टेंशन मत लो किसी चीज की. तो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर क्या है, अनपेयर्ड, यानी सिंगल है. एट द सेम टाइम इसमें क्या स्टोर होता है, यूरिन स्टोर होता है. क्या स्टोर होता है, यूरिन, ठीक है बच्चों. अब आते हैं नेक्स्ट पे. यहाँ पे ग्लैंड दिख रहा है जो मैंने ग्रीन कलर से डार्क बनाया है, दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड,
इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये अनपेयर्ड है, यानी कि ये सिंगल है। क्या ये सिंगल है? और प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या सिक्रीट करता है? अल्कलाइन फ्लूइड। ये भी क्या सिक्रीट करता है किड्स? ये भी सिक्रीट करता है अल्कलाइन फ्लूइड, सिक्रीट करता है अल्कलाइन फ्लूइड, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड प्रेजेंट है, ये आपका नेक्स्ट ग्लैंड है। दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल। और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कॉपर्स ग्लैंड। और क्या बोलते हैं? कॉपर्स ग्लैंड। और क्या बोलते हैं? कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। और ये जो ग्लैंड है, दो बनाए मैम ने, वन टू, तो यानी क्या हो गए? पेयर्ड स्ट्रक्चर्स। यानी क्या हो गए? पेयर्ड स्ट्रक्चर, ये पेयर्ड है। दूसरी चीज पे आते हैं, ये लुब्रिकेंट रिलीज करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? ये लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होता है? अब यहां पे आपको समझना होगा, ये जो पाइप है, जो लंबी सी आपको ये पाइप दिख रही है, ये पूरी पाइप यूरेथ्रा है। मतलब दिस इज अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सिमेन। यहीं से यूरिन भी पास करेगा, यहीं से सिमेन भी पास करेगा। यूरिन एसिडिक होता है? बोलो यस मैम, बोलो बोलो बोलो। यूरिन क्या होता है? एसिडिक। और सिमेन क्या होता है? बेसिक। तो यूरिन पास किया, अब सिमेन ने पास करना है। तो अब उस पैसेज की एसिडिटी को कम करने के लिए आपको लुब्रिकेशन की जरूरत है। वो लुब्रिकेंट कहाँ से आता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से, ठीक है। तो ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, इट लुब्रिकेट्स द पैसेज फॉर स्पर्म, पैसेज फॉर स्पर्म, राइट किड्स। अब यहां पे हम यूरेथ्रा की बात करते हैं, उसके लिए हम पहले डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज करेंगे। पहला तो ये वाला पार्ट जो मैम ने ब्लू से बनाया है, दिस ब्लू वाला पार्ट। ये ब्लू वाला पार्ट सब देख रहे हैं? चलो इसको फिल कर देते हैं, आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे। एवरीबडी कैन सी दिस ब्लू वाला पार्ट। ये कॉपर्स ग्लैंड के ऊपर है, बट किससे शेयर हो रहा है? प्रोस्टेट ग्लैंड से। ये जो ब्लू वाला पार्ट है, इस ब्लू वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों? वी कॉल दिस एज ग्लैंडुलर यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं इसको? ग्लैंडुलर यूरेथ्रा। क्योंकि ग्लैंडुलर यूरेथ्रा में होता है क्या क्या? अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, ये वाला सिक्रीशन, ये वाला सिक्रीशन, यानी कि इसके पास है स्पर्म, इसके पास है सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। तो तीनों देखो आपस में मिल चुके हैं इन द केस ऑफ ग्लैंडुलर यूरेथ्रा। वहीं पे अगर अब हम नेक्स्ट चीज की बात करें, ये वाला कलर ले लेते हैं, नहीं ये तो ऑलरेडी यूज था, हाँ ये वाला गोल्डन। अब देखो ये वाला पार्ट, कैन यू सी दिस छोटा वाला पार्ट जो मैंने गोल्डन कलर से बनाया? ये गोल्डन वाला पार्ट दिख रहा है आपको बच्चों? ये गोल्डन वाला पार्ट क्या है? द वन विच इज कनेक्टेड विद बल्बो यूरेथ्रल। इस छोटे वाले पार्ट को हम मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। इस हिस्से में अब बल्बो यूरेथ्रल का सिक्रीशन भी आ चुका है, तो ये पूरा का पूरा क्या बनाएगा? सिमेन। यहाँ पे क्या भरा होता है? सारा सिमेन भरा होता है। अब नेक्स्ट वाला पार्ट जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, इसे व्हाइट कलर से बनाते हैं। ये जो लॉन्गेस्ट पार्ट है, सी दिस, दिस लॉन्गेस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज पिनाइल यूरेथ्रा। इसको क्या बोलते हैं? पिनाइल यूरेथ्रा। और इस पिनाइल यूरेथ्रा के आसपास प्रेजेंट होते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। क्या प्रेजेंट होता है सुमित? यस, फ्रॉम लास्ट ईयर फ्रॉम अलाहाबाद। ओके सुमित, ओके ओके ओके। तो बेटा यहाँ पे जो पिनाइल यूरेथ्रा है उसके आसपास प्रेजेंट होते हैं इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इरेक्टाइल टिश्यू बनाते हैं, ये देखिए इस तरीके से मैम बना रही है। अब आप कहेंगे मैम ये इरेक्टाइल टिश्यू किस खेत का नाम है, किस खेत की मूली का नाम है ना? आ रहा है मन में सवाल? आ रहा है नहीं आ रहा है? मेगा बेटा आई एम सॉरी, आपका नाम मुझे याद नहीं करना है, आई एम सॉरी बेटा। Even though you are very lovely girl, but I'm sorry, beta. I'm sorry. Yes. Nobody is allowed to spam chat box. Nobody. Nobody. Even it's my favorite student or no partiality here. No partiality. Yes. अब देखो इधर, अब ये क्या है जो मैंने white color से बनाया है? देखते हैं, ये होता है erectile tissue.
इरेक्टाइल टिश्यू बना किससे होता है? ये बना होता है मसल से। किससे बना होता है मान्या? ये बना होता है मसल से, ठीक है। जैसे जैसे एनलार्जमेंट ऑफ टिश्यू होगा वैसे वैसे साइज ऑफ पीनिस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे एनलार्जमेंट हो रहा है इरेक्टाइल टिश्यू का वैसे वैसे साइज ऑफ पीनिस इंक्रीजेस, ठीक है। द साइज ऑफ पीनिस इंक्रीजेस, ठीक है। इसे हम बोलते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। जहां पे दो तरह के इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, कितने तरह के होते हैं किड्स? दो तरीके के होते हैं, एक है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, एक है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, जबकि दूसरा है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। दूसरा कौन सा है किड्स? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो हमारे पास दो तरह के इरेक्टाइल टिश्यू हैं, ठीक है। अब जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है वो आगे जाके फूल जाता है इस तरीके से, देख रहे हैं आप, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम आगे जाके फूल जा रहा है और ये सॉफ्ट डेलिकेट, ओहो, ये सॉफ्ट डेलिकेट पिंकिश स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं ग्लैंड्स पीनिस। क्या बोलते हैं उसको? ग्लैंड्स पीनिस। वहीं पे ओपनिंग है, यहीं पे आपको ओपनिंग दिखती है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज मियाटस, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज मियाटस, जहां से यूरिन भी आ सकता है और स्पर्म्स भी आ सकते हैं। इट इज अ कॉमन ओपनिंग। बताओ भाई, इतना समझ में लगा? जल्दी से इसको बनाओ, अभी से हमें डिटेल में पढ़ना है, वी हैव टू डू इन डिटेल्स। यस, हाय भूमि, वेलकम टू द क्लास। फैजल यहां पे भी आ गया। यस, अभी बेटा पूरा का पूरा हम यहां पे अभी इसको पूरा समझने वाले हैं, अभी तो ये जस्ट ओवरव्यू था टॉपिक का। 20 मिनट तो बस टॉपिक के ओवरव्यू में लग गए। यस, 20 मिनट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, अब मैं फटाफट से एक रैपिड फायर करने वाली हूं। आई होप आप लोगों ने बना लिया हो, नहीं बनाया तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, बिकॉज नाउ विल बी डूइंग अ रैपिड फायर। चलिए अब इसका हम फटाफट से रैपिड फायर करने वाले हैं। आ जाइए, फर्स्ट यहां पे हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं, फ्लो चार्ट। ये बहुत ही कीमती फ्लो चार्ट है जो आपको क्विक रिविजन नोट्स भी बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। यस, ये सिर्फ ओवरव्यू था। सबसे पहला स्पर्म का बनता है, कम ऑन इन द चैट बॉक्स, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वेट नहीं करना है, पूरी एनर्जी के साथ रहना है। दिस इज माय फोर्थ क्लास एंड आई फील मोर एनर्जेटिक देन यू, एटलीस्ट आपसे तो ज्यादा ही एनर्जी है मेरे, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो बेटा, आप तो जवान भी हो यार, जल्दी से आंसर दो। तो अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों, फर्स्ट तो स्पर्म का बनता है टेस्टिस, टेस्टिस पेयर्ड और अनपेयर्ड, दिस इज योर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स। यहां से स्पर्म कहां पे जाएगा? यहां से स्पर्म कहां पे जाता है? यहां से स्पर्म जाता है एपिडाइमिस में, एपिडाइमिस। एपिडाइमिस में क्या है? पेयर्ड है और लॉन्गेस्ट है। फिर यहां से स्पर्म कहां जाएगा? यहां से स्पर्म जाता है वास डिफरेंस में, कहां पे जाता है? वास डिफरेंस में। और वास डिफरेंस जो है ये भी पेयर्ड है, और जब इसको कट करके लाइगेट कर दिया जाता है तो दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज वैसेक्टोमी, दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज वैसेक्टोमी। फिर फोर्थ क्या है बच्चों? वास डिफरेंस के बाद जो स्पर्म है वो जाता है इजैकुलेटरी डक में, कहां जाता है बच्चों? इजैकुलेटरी डक में, या गया इजैकुलेटरी डक। अब इजैकुलेटरी डक की बात करें तो ये भी पेयर्ड है अनपेयर्ड? ये भी पेयर्ड है, और इसके अंदर स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल होता है। फिर उसके बाद ये जाएगा कहां पे? कॉमन डक, कॉमन सिंगल डक, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज योर यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा क्या है? अनपेयर्ड है यानी सिंगल है, एंड इन केस ऑफ मेल इट इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनाइटल डक, ठीक है। यस, इन केस ऑफ मेल इसे हम यूरिनोजेनाइटल डक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट किड्स? बिकॉज इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमेन, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमेन, ठीक है। यूरेथ्रा के कितने पार्ट्स मैम ने बताया? तीन पार्ट्स बताए यूरेथ्रा के। पहला पार्ट इसका जो सबसे ऊपर होता है उसे हम बोलते हैं ग्लैंडुलर यूरेथ्रा। ग्लैंडुलर यूरेथ्रा में क्या क्या होता है? स्पर्म होता है, सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल होता है, प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। उसके बाद आता है आपका मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा।
इस मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में क्या क्या होता है? स्पर्म होता है, सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल होता है, सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सिक्रीशन ऑफ कॉपर्स ग्लैंड। उसके बाद लास्ट में आता है आपका पिनाइल यूरेथ्रा, पिनाइल यूरेथ्रा विच कंटेन्स इरेक्टाइल टिश्यू। डन बच्चों, इतना लिख लिया सबने। नाउ लेट अस कम टू द स्टोरी। नाउ इट्स अ टाइम फॉर स्टोरी। अब स्टोरी क्या है, ये अब आपके बेसिक्स बनाएंगे। दिस स्टोरी इज गोइंग टू टेल यू द बेसिक्स, ठीक है? ओके, सो द डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कब से बनना शुरू हो जाता है बच्चों? एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे, ठीक है? जो टेस्टिस होती है वो स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है, यानी आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो बेसिकली ऐसी टेस्टिस जो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होती है उसे हम एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे को? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, ठीक है? अब आप कहेंगे कि मैम ये कब आया, है ना, ये बाहर क्यों आया एब्डोमिनल कैविटी से? तो बहुत सारे क्वेश्चन इसको समझते हैं यहाँ पे छोटे से डायग्राम के साथ। तो जब सेवेंथ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होता है, सेवेंथ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ध्यान से सुनिएगा, यानी कहानी कब से शुरू हो रही है? जब सातवां महीना चल रहा है किसका? प्रेगनेंसी का, ठीक है? बिल्कुल। तो जब ये प्रेगनेंसी चल रही है तो यहां पे ये है फीटस। क्या बच्चों? ये फीटस, फीटस में सबसे पहले बना स्क्रोटम, बन गया स्क्रोटम, बिल्कुल सही बात है। अभी टेस्टिस यहां पे प्रेजेंट है। अभी टेस्टिस कहां पे प्रेजेंट है? एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। सो द टेस्टिस इज प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी। तो ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है, ठीक है? अब क्या होता है बच्चों, सिंस एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है, ये इस जगह से, कैन यू सी दिस केनाल? दिस केनाल इज कॉल्ड एज इंग्विनल केनाल। इस केनाल को क्या बोलते हैं? इंग्विनल केनाल। अब ये टेस्टिस इंग्विनल केनाल से सीधा आ जाएगी स्क्रोटम में। कहां पे आ गई? सीधा आ गई स्क्रोटम में। सो व्हेन द टेस्टिस मूव फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी इनटू स्क्रोटम, दिस इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, मैम ये आखिर क्यों डिसेंड की? Why it moved from abdominal cavity into scrotum? ये इसलिए move करती है testis scrotum में because इसे हमेशा sperm के production के लिए 2 to 2.5 degree कम temperature चाहिए होता है as compared to body temperature, ठीक है? Yes, बिल्कुल। अब देखो इधर, so sperm requires, यहाँ पे थोड़ा सा mistake हो गया, सही कर लेते हैं। Why this descent occur बच्चों? This descent occur because sperm requires 2 to 2.5 degree less body, less temperature as compared to body temperature. तो हमेशा sperms को बनने के लिए इतना कम temperature चाहिए चाहिए, वरना sperm production नहीं हो पाएगा, वरना sperm production नहीं हो पाएगा। आया बच्चों इतना समझ में? Why there is a descent? सबको क्लियर हुआ? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो मैम को। डन। अब यहां पे देखते हैं दूसरी चीज, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। मान लीजिए कि डिसेंड नहीं हुआ, मान लीजिए डिसेंड नहीं हुआ, देखते इफ टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड, मान लीजिए नहीं हुआ, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज क्रिप्टोरकाइडिज्म। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? क्रिप्टोरकाइडिज्म। ये क्रिप्टोरकाइडिज्म है कंडीशन। अब यानी कि क्रिप्टोरकाइडिज्म में टेस्टिस ऊपर ही रह गई है, देन द टेस्टिस विल एक्सपीरियंस हाइपरथर्मिया। दे विल एक्सपीरियंस व्हाट किड्स? हाइपरथर्मिया। यानी हाइपरथर्मिया का मतलब क्या है? हाई टेम्परेचर। तो अगर टेस्टिस को हमेशा हाई टेम्परेचर मिलेगा तो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है? देन नो
स्पर्म प्रोडक्शन, नो स्पर्म प्रोडक्शन एंड दिस कैन लीड टू इनफर्टिलिटी, दिस कैन लीड टू इनफर्टिलिटी। ये सबको समझ में आ गया। अब आप नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो सकता है जो आपके दिमाग में कि मैम ऐसा सातवें महीने में क्या हुआ कि टेस्टिस डिसेंड कर गई, है ना स्वीटू? ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मैम आखिर सेवेंथ मंथ में क्यों, क्योंकि सेवेंथ मंथ में जो ये टेस्टिस है, ये जो टेस्टिस है सेवेंथ मंथ में इट प्रोड्यूसेस अ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है? टेस्टोस्टेरोन। कौन प्रोड्यूस कर रही है? टेस्टिस कब प्रोड्यूस कर रही है? सेवेंथ मंथ में। एंड दिस टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसेंट ऑफ टेस्टिस, ठीक है? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसेंट ऑफ टेस्टिस। तो यानी कि क्रिप्टोकाइडिज्म में क्या कम रहा होगा बच्चों जिसके कारण टेस्टिस डिसेंड नहीं की, बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में, कम ऑन किड्स। तो अगर हम देखें क्रिप्टोकाइडिज्म के केस में, जरूर द फीटस मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग डेफिशिएंसी ऑफ टेस्टोस्टेरोन, जिसके कारण क्या हो रहा है किड्स, जिसके कारण हो रहा है क्रिप्टोकाइडिज्म, जिसके कारण क्या हो रहा है क्रिप्टोकाइडिज्म। क्लियर बच्चों? ठीक है, अब नेक्स्ट फिनोमिना करते हैं, आ जाइए नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं यहीं पे। ये इंग्विनल केनाल था, टेस्टिस बाहर जा चुकी है स्क्रॉटम में, इसको न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, है ना? आप सही बात है यार, इसको न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? तो हम यहां पे देखेंगे, यहां पे एक स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पर्मेटिक कॉर्ड। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बच्चों हम? स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या ये स्पर्मेटिक कॉर्ड? ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, दिस कंटेन्स ब्लड वेसल्स, इट कंटेन्स लिम्फैटिक वेसल, इट कंटेन नर्व्स। तो यानी जो भी सिग्नल है वो टेस्टिस तक पहुंचेगा सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू बच्चों? सिर्फ और सिर्फ स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू, ठीक है? अगर स्पर्मेटिक कॉर्ड को कट कर दे तो टेस्टिस के पास ना ही लिम्फैटिक वेसल जाएगी, ना ही नर्व जाएगी, ना ही ब्लड वेसल्स जाएंगी, ठीक है बच्चों? अब यहां पे क्या होता है, इस इंग्विनल केनाल में समटाइम्स, इंग्विनल केनाल में समटाइम्स क्या होता है, लेट अस सी, समटाइम्स यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन मोटी हो जाती है और बल्ज करने लगती है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो मोटी होने के बाद इट क्रिएट्स प्रेशर ऑन द टेस्टिस। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बच्चों हम बोलते हैं इंग्विनल हर्निया। इसको हम क्या बोलते हैं? इंग्विनल हर्निया। ये इंग्विनल हर्निया, ठीक है? एंड दिस इज वेरी पेनफुल कंडीशन, ठीक है? यस, इसे क्या बोलते हैं? दिस इज वेरी वेरी पेनफुल कंडीशन। यस, रुको बेटा, आज तो पता ही था सेशन की जय माता दी करने के लिए बड़े सारे लोग आएंगे। यस yes. तो इसे हम क्या कहेंगे? इंग्विनल हर्निया। व्हेन बेटे ये वाला मार्कर विजिबल है सबको? इज दिस मार्कर विजिबल टू ऑल? नहीं है तो मैं कलर चेंज कर देती हूं। व्हेन लार्ज इंटेस्टाइन स्वेल्स एंड क्रिएट्स प्रेशर ऑन टेस्टिस, दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज इंग्विनल हर्निया। डन बच्चो? टन 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 टन, 10 सेकेंड्स फॉर द स्लाइड बच्चो, एवरीबडी राइट दिस, लिखो 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 फटाफट से लिखो। स्मॉल नहीं बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यस नॉट स्मॉल, लार्ज इंटेस्टाइन। टन 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 टन, लिख लिया सबने? टेल मी इन द चैट बॉक्स, डन 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 डन। अगर सबने लिख लिया है तो चलो अब नेक्स्ट पे चलते। ये सारा सबने इंफॉर्मेशन लिख लिया है, नाउ इट्स अ टाइम वी स्टार्ट राइटिंग ईच एंड एवरी डिटेल। अब हम एक एक करके एक एक स्ट्रक्चर को लेंगे, डिटेल्स में लेंगे, ठीक है बच्चों? आ जाओ, फर्स्ट पहला पार्ट आज हम शुरू करेंगे, टेस्टिस। टेस्टिस आर कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। ये होते हैं प्राइमरी सेक्स
ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करें तो इनका दो फंक्शन है, पहला फंक्शन है टू प्रोड्यूस हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स ठीक है, जो सीधा कहां पे जा रहे हैं, ब्लड में जा रहे हैं, वहीं पे इसका दूसरा फंक्शन है टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, स्पर्म्स। अब टेस्टिस इज हेट्रोक्राइन, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, जल्दी से बताओ 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 बताओ। यस बच्चों, बेटा पिल्लू, यस पिल्लू बेटा देख ले, तू ज्यादा बोलेगा तो देख ले फिर तू तो ये क्या बच्चों, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, दिस इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या बच्चों, इट कैन एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो ये वाला जो पार्ट है टेस्टिस का वो एंडोक्राइन है, ये वाला जो पार्ट है दिस विल फंक्शन एज एक्सोक्राइन, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे दीज आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ये क्या होते हैं, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। तो मीजोडर्मिक लेयर होती है, एम्ब्रियोनिक लेयर, वहां से ओरिजिनेट करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चीज की बात करें यहाँ पे अबाउट द टेस्टिस, द रिमूवल ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड एज ऑर्किडेक्टोमी। क्या बोलते हैं बेटा, द रिमूवल ऑफ टेस्टिस, रिमूवल ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड एज ऑर्किडेक्टोमी, ऑर्किडेक्टोमी ठीक है। व्हाइल कैस्ट्रेशन इज ऑल्सो समथिंग सेम, ठीक है, कैस्ट्रेशन भी ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है बिल्कुल। अब आते हैं यहां पे, ये टेस्टिस हो गया, नाउ द स्ट्रक्चर, लेट अस कम टू द स्ट्रक्चर, फिर से एक डायग्राम बनाएंगे बड़ा सा, ये लिख लिया सबने, नाउ इट्स अ टाइम ऑफ अनदर डायग्राम। यस इट्स अ टाइम फॉर डायग्राम, चलो बेटा अब जल्दी से डायग्राम बनाते हैं, लेयर्स बनाते हैं, चलो मैं साथ साथ डायग्राम बनाने की कोशिश करना, ठीक है आ जाओ। बनाया फर्स्ट लेयर, दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका वैजिनालिस, ये हो गई ट्यूनिका वैजिनालिस। अब आते हैं नेक्स्ट लेयर पे, ये वाली लेयर बनाई, दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजीनिया, ट्यूनिका एल्बुजीनिया। अब आते हैं इसकी इनर मोस्ट लेयर बनाते हैं, आ जाओ इनर मोस्ट लेयर बनाएंगे अब हम, दिस इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वास्कुलोसा, वास्कुलोसा ठीक है। तीन लेयर्स बना ली, अब इन तीन लेयर्स की पहले विशेषताओं की बात करते हैं, उसके बाद आगे का डायग्राम बनाएंगे। तो आउटर मोस्ट कौन सी है बच्चों, ट्यूनिका वैजिनालिस, ये वाली जो है ट्यूनिका वैजिनालिस, दिस इज आउटर मोस्ट, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। एट द सेम टाइम किड्स, ये डबल मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन, Here you can see it is double membrane होती है, और इसके अंदर दोनों के बीच में भरा क्या होता है, serous fluid, क्या भरा होता है बेटा, serous fluid, and this fluid act as shock absorber, किसकी तरह act करता है ये, shock absorber की तरह, it act as shock absorber, ठीक है। फिर आते हैं tunica albuginea which is a second layer, ठीक है। तो ये वाली जो है हमारी, दिस इज मिडल लेयर, मिडल लेयर जो बनी होती है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, किससे बनी होती है किड्स, ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एंड दिस डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड्स व्हाट, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, ठीक है, यस इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। उसके बाद आते हैं ट्यूनिका वास्कुलोसा, वास्कुलोसा से क्या पता चल रहा है, वेसल्स, सो दिस इज द इनर मोस्ट लेयर व्हिच इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ ब्लड
वेसल्स, ठीक है. सो इट इज इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स, जो किसे बना है, सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल से बना है. ठीक है बच्चों, इतना आपने लिखा, अब हम आगे चलते हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच वी आर गोइंग टू मेक हियर, ध्यान से देखिएगा. तो यहां पे हमने कुछ कंपार्टमेंट्स बनाए हैं बच्चों, कंपार्टमेंट्स बनाए हैं. हर एक कंपार्टमेंट यानी हर दो कमरे के बीच में क्या खड़ी है, यस, हर दो कमरे के बीच में क्या खड़ी है, एक दीवार. यहां पे भी हर दो कंपार्टमेंट के बीच में क्या खड़ी है, एक सेप्टा. क्या है ये, सेप्टा. सो दिस सेप्टा डिवाइड्स द टेस्टिस इनटू कंपार्टमेंट्स. तो सेप्टा डिवाइड्स टेस्टिस इनटू कंपार्टमेंट्स, इनटू कंपार्टमेंट्स. ठीक है, तो हर टेस्ट इसमें कितने लोब्स होते हैं, कितने लोब्यूल्स होते हैं बच्चों, 250. तो इसके पास कितने कंपार्टमेंट्स हो गए, 250 लोब्स और कंपार्टमेंट्स पर टेस्टिस. तो ऐसे कितने कमरे हैं एक घर में, 250 कमरे हैं. एक टेस्टिस में 250 कमरे हैं, तो दोनों टेस्टिस में कितने कमरे होंगे बच्चों, 500 कमरे. और हर कमरे में एक से तीन सेमिनिफेरस टिब्यूल हो सकती है. तो हर एक में एक से तीन सेमिनिफेरस टिब्यूल हो सकती है. तो ये जो मैम स्ट्रक्चर बना रही है, व्हाट इज दिस, दिस इज सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स. And seminiferous tubules are lined by germinal epithelium. किससे lined होती है बच्चों seminiferous tubules? Germinal epithelium. ऐसी epithelium जो cuboidal epithelium से बनी है. किससे बनी है? Cuboidal epithelium से बनी है. ठीक है kids? ये लिखा आपने. अब next पे चलते, आ जाओ. Seminiferous tubule हो गई. एक से तीन होती है. 1 to 3 पर लोब इतनी हो सकती है. एंड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स आर द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म. यहीं पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म. अब स्पर्म तो बन गया, ठीक है, स्पर्म तो बच्चों बन गया, बट इसे आगे भी तो लेके जाना है. ठीक है, यस बिल्कुल, इसे आ गया, आगे भी तो लेके जाना है. रुको बेटा, आगे भी लेके जाना है. चलिए देखते हैं आगे कैसे लेके जाएंगे इसको. यहां पे हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये देखिए, ये सारे स्पर्म्स इस स्ट्रक्चर में आके चलने लगते हैं. इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस. क्या बोलते हैं बेटा, रेटे टेस्टिस. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका रेटे टेस्टिस, जहां पे स्पर्म्स सेमिनिफेरस टिब्यूल से आ जाएगा. अब यहां से बच्चों आगे कहां जाएगा, वासा एफरेंशिया. यहां से स्पर्म कहां से जा रहा है आगे बच्चों, वासा एफरेंशिया. तो ये सारी डक्ट्स जो मैम बना रही है, ये ऑल दीज डक्ट्स आर कॉल्ड एज वासा एफरेंशिया. दीज आर ऑल कॉल्ड एज वासा एफरेंशिया. ठीक है, वासा एफरेंशिया होगी. अब स्पर्म देखो, स्पर्म बना कहां, रिपीट आफ्टर मी, स्पर्म कहां पे बना था, यस बच्चों, माना यू डोंट नीड टू बी स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग, यू आर माय स्टूडेंट इन द क्लास. इफ समबडी से एनीथिंग अगेंस्ट मान्या इन दिस क्लास, आई विल स्ट्रिक्टली ब्लॉक दैट चाइल्ड एंड विल नेवर बी अलाउड ऑन नीट टॉपर चैनल. 100 ID बनाओगे हम 100 ब्लॉक कर देंगे, हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता ब्लॉक करने में. नोबडी इज अलाउड टू से अ सिंगल वर्ड टू मान्या. ठीक है, यस. तो यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों, स्पर्म प्रोडक्शन हुआ कहां पे, सेमिनिफेरस ट्रिब्यून में. यहां से स्पर्म वहां कहां गया, सबसे पहले रेटेड टेस्टिस. रेटेड टेस्टिस से स्पर्म कहां गया, वासा एफरेंशिया. अब वासा एफरेंशिया से कहां जाएगा, एब्डिडाइमस. कहां जाएगा बच्चों, एब्डिडाइमस में. एब्डिडाइमस के भी तीन पार्ट्स होते हैं. कितने पार्ट्स होते हैं, तीन. सबसे पहले आप कैप पहनते हो सर पे, तो यानी सबसे पहले हिस्से का नाम है कैप्यूट. क्या है सबसे पहले हिस्से का नाम, कैप्यूट. फिर बॉडी आती है, बॉडी को हम बोलते हैं कॉर्पस. ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉर्पस. फिर जो इसका लास्ट हिस्सा है, जो इसका लास्ट हिस्सा है, इसे हम बोलते हैं कॉडा.
एपिडिडाइमिस के कितने पार्ट्स है बच्चों? तीन पार्ट्स हैं, कॉर्पस, कैप्यूट, कॉर्पस, पॉडा। बना लो स्ट्रक्चर सारा, टेक द स्क्रीनशॉट, ड्रॉ द डायग्राम, राइट द नोट्स। डन बच्चो? यस डन। चलो अब हम नेक्स्ट पे चल रहे बेटा। नाउ विल डू मोर डिटेल्स। वन थिंग आई एम गोइंग टू राइट, दिस कैन फेच यू 4 marks ऑन नीट एग्जाम। ज्यादा ही अंग्रेजी बोल दी तो मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ, ये वाला रूट ऑफ स्पर्म कर लेंगे तो 4 number हासिल करके आएंगे नीट एग्जाम में, ठीक है? चलिए आइए, यहां पे लिखेंगे हम रूट ऑफ स्पर्म। आखिर स्पर्म कहां से बनता है और कैसे कैसे प्रोसेस होती है। अब मैं आपसे कहूंगी कंप्लीट बड़ा पेज लीजिए, उसको ना इस तरीके से लिखना नोट्स, इस तरीके से, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ पे एक डॉक्टर का नाम लिखेंगे और यहाँ पे उसके फंक्शन लिखेंगे सामने, तो इस तरीके से नोट्स बनाने की कोशिश करना कॉपी में। आ जाओ, सबसे पहले हम लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अभी मैम ने बताया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है, जल्दी बताओ यार क्या होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, तो ये हो गया इसका फंक्शन, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। कौन सी एपिथीलियम मैम ने जस्ट अभी बताई थी? जर्मिनल एपिथीलियम, इसी को हम क्यूबॉइडल एपिथीलियम भी कहते हैं, ठीक है? उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म कहां जाते हैं किड्स? ये जाते हैं रेटे टेस्टिस। इनका काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द लिक्विड, ठीक है, विच इज सिंथेसाइज्ड बाय सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसके बाद कहां जाएगा? वासा एफरेंशिया। अब वासा एफरेंशिया की बात करें तो ये 10 to 12 इन नंबर होती है, ठीक है? कितनी होती है बेटा? 10 to 12 डक्ट्स which carry sperm। अब यहां तक जो डक्ट्स थी वो कहां थी? टेस्टिस के अंदर। तो इन डक्ट्स को क्या बोलेंगे? इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स, क्योंकि ये टेस्टिस के अंदर है, ठीक है? तो इन्हें क्या बोलेंगे? इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स, क्योंकि ये टेस्टिस के अंदर है। और यहां से जो अब आगे की डक्ट्स होंगी वो सब होंगी एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स, क्योंकि ये अब आने वाली डक्ट्स टेस्टिस से बाहर प्रेजेंट है, ठीक है? तो आ जाओ इधर, वासे फ्रेंचे के बाद कौन सा रीजन जाएगा? कैप्यूट रीजन ऑफ एब्डिडाइमस। इसका फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन? यहां पे स्पर्म अटेन्स मैच्योरिटी, ठीक है? यस बिल्कुल, ठीक है। स्पर्म अटेन्स व्हाट? मैच्योरिटी, बिल्कुल। इट अटेन्स व्हाट बच्चों? मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मींस इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट, व्हिप्लैश मूवमेंट, इस तरीके से चलेगा स्पर्म। सो इन द कैप्यूट रीजन ऑफ एपिडिडाइमस स्पर्म अटेन्स मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग एबिलिटी। ठीक है बच्चों? नाउ इसके बाद दिस इज द प्रोसेस विच इज कॉल्ड डीकैपेसिटेशन। एज स्पर्म के हेड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल, तो स्पर्म के हेड के ऊपर जब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीकैपेसिटेशन, ठीक है बच्चों? बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट पे, कैप्यूट के बाद आएगा कॉर्पस रीजन ऑफ एपिडिडाइमस। दिस एक्ट एज अ पैसेज फॉर स्पर्म,
ये पैसेज फॉर स्पर्म है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर आएगा नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट कौन सा होता है बेटा, कॉडा एपिडिडाइमिस, कॉडा एपिडिडाइमिस। एंड कॉडा एपिडिडाइमिस का मेन काम क्या होता है बच्चों, टू स्टोर स्पर्म्स, ठीक है। यस बिल्कुल पिल्लू, यार तुमसे उम्मीद नहीं थी सही में। यार पिल्लू क्या हो गया बेटा, मैम इतनी मुश्किल से पढ़ा रही है यहाँ पे, तुम्हें पता ना मैम का गला खराब है, फिर भी क्या यार पिल्लू तूने सैड कर दिया यार मैम को। चल कोई ना, पिल्लू गया बेटा, यस बिल्कुल पिल्लू गॉन, पिल्लू को हमें ब्लॉक करना पड़ा, इतना अच्छा बच्चा था फिर भी ब्लॉक करना पड़ा, वी कांट डू एनीथिंग। यस कॉड एपिडिडाइमिस क्या होता है, स्टोर स्पर्म्स फॉर अप टू 2 weeks, तो यानी कि स्पर्म्स को स्टोर करने की क्षमता रखता है कितने दिनों तक बेटा, 2 weeks के लिए, ठीक है बच्चों। यस बिल्कुल लिखा सबने। अब इसके बाद स्पर्म कहां जाएगा बच्चों, वास डिफरेंस। नाउ द स्पर्म्स विल गोइंग टू वास डिफरेंस। वास डिफरेंस में इनका काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म फॉर 3 months। मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स फॉर अप टू 3 months, अप टू 3 months। बस रूट ऑफ स्पर्म क्लियर है। उसके बाद यूरेथ्रा, नाउ इट विल गो इन टू इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट एंड देन यूरेथ्रा, एंड द स्पर्म विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ सेमेन। लिखा सबने, ये भी लिख लिया, सारे फंक्शन क्लियर, सारे टॉपिक क्लियर। ऐसी कोई चीज जो आपको लग रहा है कि आपकी छूट रही है, वी आर डूइंग दिस चैप्टर इन लॉट ऑफ डिटेल बच्चों। यस डन। आज सब बच्चों को लग रहा है कि कब वो ब्लॉक हो जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा बेटा, ये डर बिठाना बहुत जरूरी होता है। यस बहुत जरूरी होता है डर बिठाना। YouTube की क्लासेस पे ना शुरू शुरू में हमें बताना पड़ता है नए बच्चों को कि बेटा सिंसेरिटी जरूरी है बेटा, इट इज इम्पॉर्टेंट। यस बिल्कुल बिल्कुल डन। लिख लिया सबने, मजा आ गया नोट्स बना के आज। आज तो तुम्हें यार 3 blank slides पे पढ़ाया, बट खूब सारा कंटेंट पढ़ाया मैम ने तुम्हें, 1 घंटा भी हो गया तुम्हें पता चला आज की क्लास में। सीरियसली बच्चों 1 घंटा होने वाला है, पता भी नहीं चला आज। ऐसे ही तुम्हें करनी है पढ़ाई कि तुम्हें पता भी ना चले और तुम्हारा सिलेबस भी खत्म हो जाए, है ना भाई। चलो अब आगे करेंगे हम नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर, द टीएस ऑफ अ लॉब्यूल, ठीक है, टीएस ऑफ टेस्टिस। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम टीएस क्या होता है, टीएस होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी इस तरीके से कट करना, इस तरीके से, ठीक है। जब हम टेस्टिस को कट करते हैं बच्चों तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। यहाँ पे कंपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि अभी हमने बनाए थे, ये 1 compartment, 2 compartment, 3, ऐसे 250 compartment, ठीक है। और 1 compartment में 3 seminiferous tubule होते हैं, ये देखो ये है 3 seminiferous tubule, ठीक है। और इन सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेल्स, ये देख रहे हैं आप मैम, सेल्स बना रही है, ठीक है, ये हो गए सेल्स। और यहाँ पे बीच में भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, आप देखते हैं कि ये क्या सेल्स है, क्या क्या काम करते हैं, लेट अस सी। चलो जल्दी से देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल मैम, ये थोड़ा छोटा डायग्राम नहीं बन गया, हाँ बन गया, ये बात भी सही कह रहे हो तुम यार यस बिल्कुल, आ जाओ बेटा यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, ये मैम ने बनाया सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं। कितने टाइप के सेल्स होते हैं बच्चों, यहाँ पे 2 टाइप के सेल्स होते हैं। एक होते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, यही सेल्स मेच्योर स्पर्म्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मेच्योर स्पर्म्स बनाएंगे। और जो दूसरे टाइप के सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं सर्टोली सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल्स,
इन्हीं सर्टोरी सेल्स को हम नर्स सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्स सेल। नर्स सेल्स के अलावा इन्हीं सेल्स को हम सस्टेंटिकुलर सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सस्टेंटिकुलर सेल्स। सस्टेंटिकुलर सेल्स। आखिर इनके क्या क्या फंक्शन है, इनको आप सब ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से पढ़ना इनको बहुत जरूरी है बच्चों, बहुत बहुत जरूरी, ठीक है? बेटा ऐसे ना, तुम चैट बंद करके जरा सेशन में ध्यान लगाओ। हो गया, मैम भी सेशन कर रही है ना काम, क्या हो गया? लगाओ ध्यान। चलो पहला फंक्शन लाइन लगाएंगे ऐसे। फर्स्ट फंक्शन इज ब्लड टेस्टिस बैरियर। तो सर्टोली सेल जो होते हैं, इन सेल्स का काम क्या होता है? इट फॉर्म्स ब्लड टेस्टिस बैरियर। ये जो बैरियर है, इट स्टॉप्स फॉरन pathogens to come inside the testis. So basically the function of this barrier is to protect the testis. ठीक है? So this barrier inhibits the entry of unwanted chemicals and microbes that can cause infections. पहला फंक्शन क्लियर है? दूसरा फंक्शन, ठीक है? यस बिल्कुल। ओके, दूसरा आते हैं बच्चों। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन हियर ऑफ दिस इज, नेक्स्ट फंक्शन ब्लड टेस्ट इज बैरियर बनाते हैं। इसका नेक्स्ट फंक्शन है टू सिंथेसाइज अ हार्मोन कॉल्ड एज इनहिबिन। नाम से पता लग रहा है ये कुछ इनहिबिट करने वाला है। So this is going to inhibit the release of FSH. So inhibin का काम होता है to inhibit the release of FSH. तो ये हार्मोन जो है FSH, उसके रिलीज को इनहिबिट करता है, ठीक है? Then you have androgen binding protein. Androgen binding protein. ये जो androgen binding protein है, इसका काम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन को बाहर से अंदर लेके आना। सो दिस बाइंडिंग प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट टेस्टोस्टेरोन इनसाइड सेमिनिफेरस टिब्यूल। और नेक्स्ट इसका काम होता है, एक और फैक्टर ये रिलीज करता है जिसका नाम है AMF, एंटी मुलेरियन फैक्टर। क्या रिलीज करता है? एंटी मुलेरियन फैक्टर। ये फैक्टर क्या करता है? ये मेल्स के अंदर फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस को बनने नहीं देता है। तो यानी कि इट इनहिबिट्स फॉर्मेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस इन मेल्स। तो अगर ये सब्सटेंस, ये फैक्टर नहीं बनेगा तो मेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस ग्रो कर जाएगा, ठीक है किड्स? इसके अलावा क्या काम होता है सर्टोली सेल का? नरिशमेंट, प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू स्पर्म सेल्स। और इसके अलावा क्या फंक्शन होता है? इट ऑल्सो एब्सॉर्ब्स द एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक कॉन्टेंट, ठीक है? इट एब्सॉर्ब्स एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक कॉन्टेंट। क्लियर है बच्चों ये सारा? यस, ये सबको क्लियर है? कम ऑन किड्स, इतना सबने लिख लिया? डन बच्चों, ये लिख लिया? ये तो था पूरा सर्टोली सेल के बारे में। अब हम करेंगे इन सेल्स के बारे में। ये सेल्स कौन से? आपके लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स सर्टोली सेल के बाहर प्रेजेंट है, ठीक है? सो दीज आर प्रेजेंट आउटसाइड सेमिनी फेरस टिब्यूल। दे आर प्रेजेंट आउटसाइड सेमिनिफेरस टिब्यूल, ठीक है? सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इंटरस्टीशियल सेल्स। इसलिए ना और क्या बोलते हैं? इंटर
interstitial cells, ठीक है, और दिस सेल्स आर स्टिमुलेटेड बाय LH. LH हार्मोन इन्हें स्टिमुलेट करता है, जैसे ही LH इन पे काम करता है ये बना के देता है एंड्रोजन, और ये एंड्रोजन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन, और यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटेनिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक मस्टाश, बियर्ड, हेवी वॉइस, ये सारा काम ये करेगा एंड्रोजन. ठीक है बच्चों, लिखो सब फटाफट से, बढ़िया बढ़िया नोट्स मिल रहे हैं. यस बच्चों, डन डन किड्स. एंड्रोजन्स आर बेसिकली स्टेरॉइडल हार्मोन्स. यस, लिख लिया सबने, नाइस नाइस नाइस. तो आज का बेटा सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे, एंड कल की क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे. तो ये सारा आज हमने कर लिया है. दीज टू टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन टुमारोज क्लास. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर द वीडियो, एंड प्लीज मेक योर नोट्स रेगुलरली इन द सेशंस. आपके सेशंस के जितने भी नोट्स बन रहे हैं उन सबको आपको बनाना बहुत जरूरी है. ठीक है किड्स, चलो बाय, टेक केयर, बाय बच्चों. और अभी भी तुम्हारा बम्पर ऑफर है प्लस का, अभी भी ले सकते हैं, एंड यू कैन स्टडी फ्रॉम द इंडियाज टॉप एजुकेटर्स ऑन अन अकेडमी नीट प्लेटफॉर्म. अभी ले लेना बिकॉज बम्पर ऑफर इज लिमिटेड. चलो बाय किड्स.